खिलाड़ियों को हुआ खतरों की टीम पर शक। रोहित शेट्टी और खिलाड़ियों के बीच में हुआ हैवी डिस्कशन। आखिर किसका हुआ एलिमिनेशन, किसने मारी बाजी, किसके स्टंट ने लाई सबके चेहरे पर हंसी। खतरों के खिलाड़ी के 14 सीजन का दूसरा दिन खत्म हुआ है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले यहाँ पर हाइट वाला टास्क किया गया जहाँ पर 5 बड़ी बड़ी कांच की दीवारें हवा में लटक रही हैं। उसके ऊपर एक एक स्लैब है और चिपका हुआ है फ्लैट। स्लैब के ऊपर खड़े होकर अपने आप को बैलेंस करते हुए बिना किसी चीज का सहारा लेकर एक एक करके कांच की दीवार पार करनी है और फ्लैग इकट्ठा करना है। इस स्टंट को परफॉर्म किया असीम रियाज और आशीष मेहरोत्रा ने। काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई जहां पर खिलाड़ियों को लगा कि ये स्टंट परफॉर्म हो ही नहीं सकता। ऐसे में यहां पर रोहित शेट्टी ने इस पर लाइट डालते हुए एक बात कही है कि जब भी हम कोई स्टंट लेकर आते हैं उसके पीछे हमारी टीम की बहुत सारी मेहनत होती है और हमारे क्रू मेंबर्स उसे परफॉर्म करते हैं, इसके बाद ही हम इसे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर रोहित शेट्टी ने वीडियो में दिखाया कि ये स्टंट करना पॉसिबल है जहाँ पर देखकर सबको लगता है कि हाँ ये चीज़ है। तो साथ ही साथ यहाँ पर मधुमक्खी के ओजी वाले स्टंट परफॉर्म करती हुई नजर आई नियति फतनानी और शिल्पा शिंदे। दोनों ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शिल्पा शिंदे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स नजर आई, जो डरने का नाटक कर रही थी वो सबसे ज़्यादा फन और एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट निकली। उनको देखकर, उनकी मराठी सुनकर, उनकी बातें सुनकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही थी। तो वहीं वाटर स्टंट में सामना हुआ अदिति शर्मा और सुमोना चक्रवर्ती का। ये दोनों फियर फंदा होल्डर्स हैं। सुमोना चक्रवर्ती ने इसे बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और अपने आप को सेव कर लिया। अदिति काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी क्योंकि वो एक स्विमर है और वो खुद को वाटर बेबी बुलाती है, लेकिन यहाँ टैंक के अंदर जाने के बाद ही उनकी हालत ख़राब हो गई। वो ब्रीथ नहीं कर पा रही थी, उन्होंने स्टंट को अबॉर्ट कर दिया। सीजन का पहला अबॉर्ट स्टंट सामने आया है। तो वहीं अब आशीष मेहरोत्रा और अदिति शर्मा का सामना हुआ एलिमिनेशन राउंड में, जहां पर काफ़ी सारे बॉक्स रखे थे और अलग अलग उसमें जानवर थे। उसमें लोहे की एक बहुत बड़ी पट्टी थी जिसे एक हाथ से नट बोल्ट खोलकर बाहर निकालना था। आप अंदर नहीं देख सकते क्योंकि आपको सिर्फ हाथ अंदर डालने की ही इजाज़त है। यहाँ पर दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जब एलिमिनेशन राउंड के फैसला लेने का वक्त आया तो रोहित शेट्टी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया, इस बार कोई एलिमिनेशन नहीं है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो गए हैं, लेकिन अदिति और आशीष काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए भी नज़र आए। आशीष ने रोहित को एक बात बताई कि मैं मेरे फादर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ जिनका नाम है केदार, तो आप मुझे प्लीज़ केदार आशीष बुलाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रोहित ने भी वादा किया कि जिस दिन तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगे मैं तुम्हें केदार आशीष बुलाऊंगा। अब ये मौका कब आएगा देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल इस शो को आप कितना एंजॉय कर रहे हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।